लाहौर सदर मलिक नदीम आटो एयर कंडीशनिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का प्याफ फंडर लाइन्स के कायदीन और उम्मीदवारों को कार एयर कंडीशनिंग आटो मार्केट मजंग रोड आमद पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई और ढोल की ताप पर घोड़ों का रक्स दिखाया गया। प्याफ फंडर लाइन्स के काई शेहर फान के बारे में बात करते हुए सदर मलिक नदीम का कहना था कि सबसे बड़ी खुशखबरी तो मैं ये देना चाहता हूँ आज लाहौर की ताजे बरादरी को कि आज बहुत अरसे के बाद लाहौर ताजी बरादरी को अपना खुद का ताजी कम्युनिटी का सही नुमाइंदा हकीकी नुमाइंदा शेख एजाज साहब शेख इरफान साहब की शक्ल में लाहौर चैम्बर के एज ए प्रेसिडेंट की शक्ल में वो मिल जाएगा। ये वो गौर नायाब है जो इस पाकिस्तान की मुश्किल हालात में जो ट्रेड का सिलसिला चल रहा है उसको बड़ी कामयाबी के साथ इंशाल्लाह रहमान हम बड़ा यकीन रखते हैं कि वो इस पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद मासी मसाइल के अंदर लाहौर ट्रेड बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। जहाँ तक अलायंस की जीत का मामला है तो इसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो प्याफ फंडर अलायंस है ये 16 साल से चल रहा है, जीता आ रहा है और इस बार की जीत से मुझे ये खौफ है कि अपोजिशन भाग ना जाए, क्योंकि जितनी जीत ज़रूरी है उतनी अपोजिशन भी ज़रूरी है और मैं अपोजिशन को तसल्ली देना चाहता हूँ, लगे रहो मुन्ना भाई कभी तो जीत हो। कंपेन के आखिरी दिन के मौका पर अंजुमन ताजरान का कहना था कि जीत प्याफ ग्रुप की ही होगी। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ फलक बाट लाहौर 24 न्यूज़ लाहौर।